गुनाकोट ग्राम पंचायत के दाड़ीमठौ गांव में 2 साल की मासूम के साथ दुराचार करने तथा हत्या के मामले का स्थानीय युवाओं ने विरोध किया है। बागेश्वर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने घटना का विरोध करते हुए कहा कि 2 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में बच्चों के साथ आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनका सामाजिक विरोध करना जरूरी है। सामाजिक कार्यकर्ता भुवन जोशी, छात्र नेता प्रियंका गश्याल सहित अन्य युवाओं ने कहा कि 2 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए, साथ ही ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून भी बनाना होगा। युवाओं ने कॉलेज गेट से लेकर SBI तिराहे तक जुलूस निकाला तथा घटना का विरोध किया। ये घटना जो हो रही है, कल हमारी बागेश्वर में ही जो 7 रतवे में है, कल उसका आरोपी पकड़ा भी गया है। 2 साल के बच्चे के साथ जो दरिंदगी हो रही है, ये सिर्फ बागेश्वर को लेकर नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड देवभूमि को लेकर के है। ये हरिद्वार में हुआ है, अन्य जगहों पर इस तरह के छोटे छोटे बच्चों के साथ दरिंदगी होती है। दरिंदगी चाहे बच्चों के साथ हो, बड़ों के साथ हो, गलत है। इस तरीके के कृत्यों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कोई ठोस कानून बनाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके के कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का कृत्य करता है तो उसका दंड उसको तुरंत मिल सके और वो इस तरीके के कृत्य को उठाने के लिए कोई साहस नहीं दिखा सके। ऐसा कानून बनाने चाहिए, ऐसी रूह कांपने वाली कानून होने चाहिए, जैसे हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, बच्चियां सुरक्षित हैं। जब वो सुरक्षित है तब ये सृष्टि सुरक्षित है, ये हमें सोचना होगा। एक दिन हम यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम इस तरीके से दरिंदगियों को जन्म देते हैं, तो ये देवभूमि का अपमान है, देवभूमि की बेइज्जती है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी बेइज्जती होगी। ये अगर वो इस तरीके के लिए सख्त कानून नहीं बनाते हैं तो ये उनकी भी बेइज्जती मानी जाएगी। ज़्यादा नहीं कहना, बहुत छोटे शब्दों में मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के शब्दों की, इस तरीके के कृत्यों के लिए सरकार को कोई ना कोई ऐसा ठोस कानून बनाए, तभी हम मानेंगे हमारे पास युवा मुख्यमंत्री हैं और हमारी सुनते हैं। और ऐसे महिलाओं के साथ, वो बेटियां कल इनकी भी हो सकती हैं, वो बच्चे कल इनके भी हो सकते हैं, कोई भी हो, उनके साथ इस तरीके की जो दरिंदगी होती है इसको कतई माफ नहीं किया जाना चाहिए। एक सभ्य समाज की तरह सरकार ने एक अच्छा कानून इस पर बनाना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। मैं इस घटना के बारे में यही कहना चाहूँगी कि 2 साल की मासूम बच्ची को दरिंदे द्वारा ऐसा रेप करके उसकी हत्या कर दी गई है, बहुत दुखद घटना है जिससे हम सभी को बहुत दुख हुआ है, जो हम अपने बागेश्वर जिले में कभी भी सोच नहीं सकते थे। और वो नेपाली मूल की निवासी थी। मैं यही कहना चाहूँगी सभी जनता से, चाहे वो किसी दूसरे देश की है, चाहे वो हमारे देश की बेटी है, हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी सहेलियों को, अपने परिवार की सभी बेटियों को या अपने शहर की बेटियों को सुरक्षित रखें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। मैं और सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि जैसे अन्य देशों में सीधे मृत्यु दंड दिया जाता है, वैसे हमारी सरकार द्वारा ये कानून लाया जाए, ताकि किसी की हिम्मत महिलाओं को आंख उठाने तक की भी ना हो। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।